Hello friends, today we will do reasoning, blood relationship for all competitive exams. So blood relationships, the questions based on blood relationships are very easy, but just you have to see what we have to do before doing the question, read it carefully. और कुछ ट्रिक्स भी हैं इस क्वेश्चन को करने की, जैसे कि अगर उसने गर्ल के बारे में बात करी है तो आप उसको एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर बॉय के बारे में बात हुई है तो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हस्बैंड वाइफ के बारे में बात हुई है, हस्बैंड वाइफ, तो आप उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही सिस्टर ब्रदर या ब्रदर ब्रदर सिबलिंग के बारे में, तो उसको एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे आज ब्लड रिलेशनशिप के ऊपर, बहुत इजी होता है और यू कैन गेट गुड मार्क्स If you done it correctly, अगर आपने ठीक से क्वेश्चन कर दिए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स इसमें आप गेन कर सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इन अ जॉइंट फैमिली देयर आर फादर मदर थ्री मैरिड सन एंड वन अनमैरिड डॉटर। एक फैमिली है जॉइंट फैमिली, उसमें फादर है, मदर है, थ्री मैरिड सन है, एक अनमैरिड डॉटर है। ऑफ द सन्स टू हैव टू डॉटर्स ईच, तीन बेटों में से दो बेटों की दो डॉटर्स हैं, दो दो डॉटर हैं, एंड वन हैज़ अ सन, और तीसरे बेटे का एक बेटा है। हाउ मैनी फीमेल मेम्बर्स आते हैं, तो क्वेश्चन में पूछा गया कि फीमेल मेम्बर्स कितने हैं। तो इसके देखिए ऑप्शंस भी दे रखे हैं, थ्री है, फोर है, सिक्स है, नाइन है। तो हम जब इसको करेंगे, इसने क्या बोला है, एक हो गई मदर, फीमेल, ओनली फीमेल के बारे में पूछा है, एक हो गई डॉटर। अब तीन बेटे हैं, तीनों की बहुएं भी तो होंगी, वाइफ, तो थ्री हो गई। ऐसे ही जो दो बेटे थे उनकी टू टू डॉटर्स ईच थी, मतलब फोर गर्ल्स, फोर डॉटर्स हो गई ऑफ सन्स, तो कितने हो गए टोटल, वन टू थ्री फोर फाइव एंड फोर नाइन, तो नाइन फीमेल्स। हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर, नाइन। इसमें लोग गड़बड़ ये कर जाते हैं कि क्वेश्चंस को, क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ते। उसने बोला है मदर है, डॉटर है, ये तो आपने पढ़ लिया, थ्री मैरिड सन है, वो भी आप कर लोगे। जब वो बोलता है कि टू हैव टू डॉटर्स ईच, इस लाइन को आप ठीक से नहीं पढ़ते और उसमें गड़बड़ कर जाते हैं। उसने बोला है कि दो सन, तीन में से दो सन की टू डॉटर्स ईच हैं, मतलब दो एक की हैं, दो एक की है, चार गर्ल्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए, ऑफ अ बॉय, एक बॉय की फोटोग्राफ की तरफ इशारा करते हुए, सुरेश सेड, सुरेश ने बोला, ही इज़ द सन ऑफ द Only son of my mother. ये क्या है, He is the son, बेटा है, of the only son of my mother. मेरी माँ के बेटे का, मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है, तो मेरी माँ का बेटा तो मैं ही हुआ और ये मेरा ही बेटा है। How Suresh is related to the boy? सुरेश कैसे relate करता है उस boy से, उस boy के बारे में नहीं पूछा है, सुरेश के बारे में पूछे कि सुरेश उस बॉय से कैसे रिलेट करता है, तो सन तो नहीं होगा सुरेश, डॉटर तो होगी नहीं क्योंकि बॉय के बारे में ये भी ऑप्शन कर रहे थे, तो ऑप्शन क्या बचा, फादर। सुरेश क्या है, सुरेश इज द फादर ऑफ दैट बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है कि आप ये वाली टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, गर्ल के लिए सर्कल, बॉय के लिए ट्रायंगल, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए क्रॉस, सिस्टर ब्रदर के लिए एरो। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी,
ए है भाई, किसका, बी का, पर हमें नहीं पता कि बी क्या है अभी, तो हम उसके कुछ नहीं डालेंगे। बी इज़ दी सिस्टर ऑफ सी, अब हमें पता चल गया है कि बी क्या है, गर्ल है, सिस्टर है, किसकी, सी की। सी क्या है, सी इज़ दी फादर ऑफ डी, सी का हमें पता नहीं है कि उसका जेंडर क्या है, लेकिन सी फादर है किसका, डी का, हाँ सॉरी, सी फादर है तो ऑब्वियसली मेल है। सी क्या है, फादर है किसका, डी का। डी का आपको क्या पता चला है कि डी मेल है या फीमेल है, बॉय या गर्ल है, नहीं। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी ए से कैसे रिलेट करता है, डी ए से कैसे रिलेट करता है, या तो वो नेफ्यू होना चाहिए क्योंकि ए और सी दोनों भाई हैं और बी उसकी बहन है, या तो डी नेफ्यू होगा या तो डी नीज होगा, लेकिन इसका ना हमें पता है कि ये मेल है ना हमें पता है कि ये फीमेल है। तो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं इसके, ब्रदर है, नहीं सिस्टर तो है ही नहीं, नेफ्यू का ऑप्शन है, पर क्या हम अगर जिसको जल्दी होगी तो नेफ्यू पे जल्दी जल्दी टिक कर देंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, हमें उसका जेंडर नहीं पता है तो हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, हमें पता ही ये डिटरमाइन नहीं कर सकता है कि वो बॉय है या गर्ल, तो हम नहीं कर सकते कि वो नीस है या नेफ्यू, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, पॉइंटिंग टू अ वुमन, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए राम ने कहा, हर ग्रैंड मदर इज़ दी ओनली डॉटर ऑफ माई ब्रदर, हाउ वुमन रिलेटेड टू राम। देखिए, एक औरत की तरफ राम ने इशारा करते हुए कहा, हर ग्रैंड डॉटर, उसकी पोती इज़ दी ओनली डॉटर ऑफ माई, मेरे भाई की बेटी है, मेरे भाई की जो बेटी होगी वो पोती किसकी होगी, मेरी माँ की तो होगी। हाउ वुमन रिलेटेड टू राम, वुमन कैसे रिलेट कर रही है राम से, सिस्टर है, नहीं, ग्रैंड मदर है, नहीं, क्योंकि वो ग्रैंड मदर तो उस लड़की की है, मदर है, बिल्कुल मदर है, मदर इन लॉ नहीं है, मेरे भाई की बेटी की दादी मतलब ग्रैंड पोती किसकी है, वो मेरे भाई की जो बेटी है, मेरे भाई की जो डॉटर है, ब्रदर की डॉटर, वो ग्रैंड डॉटर हुई किसकी, यानी मेरी ही माँ की तो ग्रैंड डॉटर हुई, दैट इज़ वाई वो वुमन जो रिलेट कर रही है राम से वो उसकी मम्मी है।